मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम टाइगर का लुक, क्या टाइगर दिखेंगे रैम्बो अवतार में, क्या है खलनायक के डायरेक्टर से जुड़ी हिडन कंट्रोवर्सी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। विलन, दोस्तों ये शब्द सुनकर हम सबके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है बुराई का, किसी बुरे शख्स का, एक ऐसा शख्स जो अपने बुरे कामों से सबको परेशान करता है और अच्छाई को दबाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक शब्द दूं खलनायक, और अब आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल किसका आया, जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, आपके दिमाग में ख्याल आया 1993 में रिलीज हुई खलनायक मूवी का। संजू बाबा के करियर की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मूवीज में से एक है। ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे सुभाष घई द्वारा डायरेक्ट किया गया था। हालांकि सुभाष घई और फिल्म के नाम के पीछे एक बहुत ही रोमांचक किस्सा जुड़ा हुआ है। असल में बात यह है कि उन दिनों डायरेक्टर सुभाष घई अपनी फिल्मी करियर के वर्ड को बहुत ज्यादा लकी मानते थे। उस वक्त उनकी सभी फिल्मों के नाम के से ही शुरू होते थे, जैसे कर्ज, क्रोधी, कर्मा, कालीचरण। बस यही कारण था उस वक्त इस फिल्म का नाम विलन के रखकर डायरेक्टर ने इस नाम का खलनायक नाम चुना। फैंस खलनायक मूवी को इसीलिए खास मानते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल मूवी ना रहकर एक कंट्रोवर्शियल मूवी बन चुकी थी। मूवी की शूटिंग कंप्लीट होते ही संजू बाबा का गिरफ्तारी का फरमान आ गया और फिल्म की डबिंग अभी बाकी रह गई है। जेल से वापस आने पर बाबा ने फिल्म की अधूरी पड़ी डबिंग को पूरा किया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब फिल्म रिलीज हुई और फिल्म के क्लाइमेक्स में खलनायक उर्फ संजू बाबा को जेल जाते दिखाया गया तो फिल्म ने फैंस को दिल से छू लिया, क्योंकि फिल्म के रिलीज के वक्त संजू बाबा जेल में ही थे। हालांकि फिल्म चाहे कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सियल क्यों ना रही हो, मगर खलनायक को फैंस के दिलों पे राज करने से कोई नहीं रोक सका। बस यही हिस्ट्री अब एक बार फिर से दोहराई जा रही है। खलनायक एक बार फिर आ रहे हैं आप सबको डराने, लेकिन इस बार खतरा डबल होगा, पागलपंती ट्रिपल होगी, क्योंकि फिल्म में होने वाला है दो दो खलनायक। जी हाँ, फिल्म में संजू बाबा के साथ निभाने आ रहे हैं बॉलीवुड के रैम्बो टाइगर श्रॉफ। फिल्म में टाइगर खलनायक की भूमिका में दिखेंगे और सोर्सेज की माने तो फिल्म के शूट के दौरान ही टाइगर की रैम्बो फिल्म रिलीज होगी, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि फिल्म में टाइगर का रैम्बो लुक ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए। जैसे कि खलनायक का लुक है तो हो सकता है कि फिल्म में टाइगर हमें एक बार फिर बड़े बालों के साथ दिखें, और अगर टाइगर फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो ये वो पहली फिल्म होगी जिसमें हमें पहली बार टाइगर और उनके पिता जैकी श्रॉफ साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शूटिंग प्लेटफॉर्म पर उतरे और हमें फिल्म का कोई ऑफिशियल लुक देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।